नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी हर एक चीज और एक हर एक दिशा में खास ऊर्जा होती है। उसका प्रभाव घर के सदस्यों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से पड़ता है। वास्तु के नियमों का पालन न करने से घर में वास्तु दोष बढ़ता है। इसकी वजह से घर के सुख और शांति भंग हो जाती है। और घर के सदस्यों के बीच हमेशा कलह रहता है। इन वास्तु दोषों की वजह से घर में आर्थिक समस्या बनी रहती है। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या फिर परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है। वास्तु के कुछ उपायों को करने से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं वास्तु से जुड़े इन उपायों के बारे में, जिन्हें अपनाने से ग्रह कलेश दूर होता है। आइए जानते हैं घर में सुख शांति लाने के वास्तु उपायों के बारे में। वास्तु दोष की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले घर के वास्तु को सही करना चाहिए। घर का वास्तु सही रहे इसके लिए हर दिन सुबह घर के मंदिर में धूप जलाएं। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी के छींटे मारें। इसके बाद द्वार के दोनों तरफ साफ जल प्रवाहित करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हल्दी का पानी वास्तु दोष दूर करता है। घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। जिस घर में गंदगी होती है वहां लक्ष्मी माता कभी नहीं टिकती है। घर को साफ सुथरा रखने से सकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। घर में तुलसी का पौधा लगाना एक शुभ उपाय है। माना जाता है कि तुलसी का पौधा वास्तु दोष को दूर करता है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। इसे लगाने से ग्रह कलेश दूर होता है। घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है तो रात को सोने से पहले किसी पीतल के बर्तन में कपूर जलाकर इसे पूरे घर में दिखाएं। कपूर का यह उपाय घर में सुख शांति लेकर आता है। कपूर का यह उपाय करने से मानसिक शांति भी मिलती है। इसके अलावा पीपल के पेड़ को ग्रह स्वामी कहा जाता है। घर की कलह दूर करना चाहते हैं तो पीपल के पेड़ की सेवा करें। घर के पास पीपल का पौधा लगातार उसकी निरंतर देखभाल करनी चाहिए। इससे घर के सदस्यों और पर देवताओं की कृपा बनी रहती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।